बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमने बेसिकली अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और को जो है पढ़ लिया है और उनके रिलेशनशिप को भी चेक कर लिया है। अब हम बेसिकली टॉपिक कर रहे थे क्वार्टाइल्स का, ठीक है। क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल्स, ये सारे जो मिक्स हमने देखा, अभी हमने अनग्रुप डाटा का देखा था। आज हमारे पास एग्जाम्पल है 3.29। इसमें हमने ग्रुप डाटा से करना है, ठीक है। फाइंड लोअर क्वार्टाइल, यानी कि इसका मतलब Q1 फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल इसका मतलब Q3 फाइंड करना है, 65 इसका मतलब D6 फाइंड करना है, 35th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लासेस गिवे हैं और फ्रीक्वेंसी पे करना, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी आपका मीडियन हो, क्वार्टाइल्स हो, डिसाइल्स हो, परसेंटाइल्स हो, आपका पहला काम होना है क्लास बाउंड्रीज बनाना और दूसरा काम है आपने कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, ठीक है। स्टेप्स आप नोट डाउन कर लें इस तरह से ताकि आपको जब क्वेश्चन करें तो आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने पहला काम किया कि क्लास बाउंड्रीज बना दी, दूसरे में उन्होंने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका ये है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस लिया, टू पर डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आती है लोअर में माइनस कर देनी होती है, अपर में ऐड। अब ये आपको होता है होल नंबर है तो 0.5 ही होगा, 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, लोअर में से माइनस किया तो ये बन जाएगा 39.5, ऐड किया तो 69.5, माइनस किया तो 69.5 और ऐड किया तो 79.5, ठीक है। इस तरह से हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। फ्रीक्वेंसी से कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का वही मेथड, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर इस 3 में हमने नेक्स्ट वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास 8 बन जाएगा, 8 में 9 को ऐड किया 17, तो इस तरह से सारी बना दी। नेक्स्ट आपका काम होता है जब आपने डिसाइल के लिए करना, वो Q1 के लिए करना, तो आपको पता है एन बाई फोर होगा हमारे, उसमें एन बाई फोर को हमने करा, तो एन हमारे पास है 40, 40 को 4 पर डिवाइड करूँ तो वैल्यू आएगी हमारे पास 10। अब 10 को चेक करना है हमारी कहाँ पे लाई करती है, इसमें आपको पता है कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चेक करते हैं, यहाँ पे लाई कर रही है 10। अब ये हमारा पूरा एरिया ऑफ कंसर्न हो जाएगा Q1 के लिए, देखो उन्होंने लिख भी दिया ना सामने Q1 के लिए ये हो जाएगा। हमने इसको, आपको पता है फॉर्मूला उसका वही होता है जो मीडियन की तरह से, एल प्लस एच ओवर एफ, आगे एन बाई टू की जगह पे एन बाई फोर आ जाएगा माइनस सी। अब सी ये वैल्यू हो जाएगी, पता है आपको प्रीवियस वैल्यू, ये आपका एल हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एज क्या है, इनके दरम्यान में इंटरवल साइज कितना चल रहा है, सबके दरम्यान में आपका इंटरवल 10 10 का चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। सेम रेपुटेशन वाले क्वेश्चन है मीडियम की तरह, एज भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एल भी आ गया, सी भी आ गया और एन बाई टू हमारे पास 10 था, ये हम सारे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और Q1 को कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली Q3 के लिए भी आपने ऐसे ही करना है। आप क्या करेंगे, आप 40 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्या हो जाएगा 3n over 4, ठीक है, 3n over 4। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30। 30 को चेक करना होगा कहाँ पे लाई करता है, तो 30 हमारा इसमें सेकंड वैल्यू में लाई करता है इससे अगली में, तो यहाँ पे फिर वही चीजें करेंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्री और सी प्रीवियस वैल्यू, इस तरह से सारे हमने निकाल लिए। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे स्क्रीन जा रही, बार बार पीछे आगे नहीं आता, ठीक है। Q3 के लिए भी ऐसे सारी चीजें हमने यहाँ से मार्क कर ली। नेक्स्ट P35 के लिए करना है, P35 में भी हमारे पास सेम ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। D6 के लिए भी हमने करना है तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू, जो एरिया ऑफ कंसर्न है उनको हमने अंडरलाइन कर लेना है और बाकी चीजों को मार्क कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट चाहती हूँ, ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोअर क्वार्टाइल के लिए। देखिए एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई फोर माइनस सी, क्वार्टाइल है तो उसके नीचे 4 आ जाएगा, मीडियन था तो 2 था यहाँ पे। अब यहाँ पे एन बाई, सब आपको पता है मैंने आपको कहा था जब भी ये फॉर्मूला लिखना है, जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है सबसे पहले आपने ये चीज़ को कैलकुलेट करना होता है, इसको कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। हमने ये एन बाई फोर अभी बताया मैंने आपको, 10 आया, 10 को हमने चेक किया और उससे हमने जो है कोरस्पॉन्डिंग पूरी लाइन को हमने मार्क कर दिया। इस तरह से बाकी सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी 81.72। अपर क्वार्टाइल के लिए मैंने आपको बताया था 3n/4 करेंगे कैलकुलेट, इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी और इससे भी सारी वैल्यूज को हमने मार्क करके हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इम्प्रूव करके सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट P35 और D6 के लिए भी हमने यही करना है, D6 के लिए भी करेंगे तो हमारे पास ये 6n ये 24th की वैल्यू आ गई, 24th को हमने चेक किया जहाँ पे लाई करी थी उसके अकॉर्डिंग देख लिया और सारी वैल्यूज को मार्क कर दी जहाँ पे लिख लिया। 35th के लिए भी हमने ऐसे किया, सारी वैल्यूज को देखा और जहाँ 14 वैल्यू आ गई जहाँ पे भी मार्क करके हमने सारी वैल्यूज कर दी। देखो फॉर्मूला वही है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चीज है, Q1 था तो एन बाई फोर हो गया, 3 था तो ये देखो मैंने आपको कहा था ना यहाँ 7 आ जाता है 3n/4, अब ये 6 है तो 6 7 आ जाएगा, 6n बन जाएगा और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है उन्होंने, यहाँ पे क्या आना है 10 आना, ठीक है। इसको आपने अपनी बुक में करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ये 10 है, देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, इन्होंने अगली जगह पे लिख दिया, यहाँ पे गलती से लिख दिया, इसके बाद इन्होंने सही करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने P35 के लिए करना है तो क्या हो जाएगा, 35n 35 के साथ मल्टीप्लाई n होगा,
और डिवाइजर में आ जाएगा 100। ठीक है, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे लिख के बताती हूँ। देखो इन जनरलाइज फॉर्म में फॉर्मूला, अगर आपने क्वार्टाइल्स के लिए करना होगा, यहाँ पे मैं क्यों लिख रही हूँ क्वार्टाइल्स के लिए, यहाँ पे एम लिख देती हूँ। देखो क्वार्टाइल्स के लिए करना होगा तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, एल प्लस एच ओवर एफ, यहाँ पे आ जाएगा एम डॉट एन ओवर फोर, फोर आना यहाँ पे याद रखना है, माइनस सी। ठीक है, ये आ जाएगा सी, बाकी सब चीज आपने ऐसे वो करना है। अब यहाँ पे क्यू वन होगा तो यहाँ वन आ जाएगा, एम की जगह पे टू होगा तो टू आ जाएगा, यहाँ पे थ्री होगा तो थ्री आ जाएगा एम की जगह पे। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। नेक्स्ट आप डिसाइल पर जाएंगे तो उसको मैंने यहाँ पे कह दिया डी एम। ठीक ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होगा, एल प्लस एच ओवर एफ, एच ओवर एफ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन डॉट एन, और नीचे डिवाइसर में क्या आएगा, डिसाइल है ना, डिसाइल में टेन होता है तो यहाँ पे टेन आ जाएगा माइनस सी। ठीक है, ये वही जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिसाइल का, ये हो गया क्वार्टाइल्स का। नेक्स्ट परसेंटाइल पे आएंगे, परसेंटाइल को भी इन जनरलाइज में लिखती हूँ पी एम। देखो फॉर्मूला एक ही है, बस आपने चेंजिंग करनी होगी। आप डिसाइल पे तो टेन आ गया, क्वार्टाइल से तो फोर आ गया, अब परसेंटाइल है तो क्या होगा, हंड्रेड आ जाएगा, वही फॉर्मूला एल प्लस एच ओवर एफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एम डॉट एन, और डिवाइजर में आ जाएगा हंड्रेड माइनस सी। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें, अपनी बुक पे लिख लें जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्वार्टाइल्स के लिए यहाँ पे देखो आपको पता है तीन क्वार्टाइल्स होते हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, अगर वन होगा तो वन पुट कर देंगे, टू तो टू, थ्री तो थ्री, अदरवाइज ये फॉर्मूला रहना। ठीक है, जब बी की बारी आएगी, लेट्स सपोज आपने बी सिक्स कैलकुलेट करना है तो एम की जगह पर सिक्स आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहना है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपने बी सेवन करना है तो यहाँ पे सेवन आ जाएगा एम की जगह पर, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। और इसके डिवाइजर में टेन आता है, इसके डिवाइजर में फोर, परसेंटाइल के डिवाइजर में हंड्रेड आता है। और अगर लेट्स सपोज आपने पी थर्टी फाइव कैलकुलेट कर रहे हैं तो एम की जगह पर 35 आ जाएगा, पी 64 कर रहे हो तो एम की जगह पर 64 आ जाएगा। इस तरह से आपने ये जनरलाइज फॉर्मूला को याद कर लेना है, और भी कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा के जनरलाइज फॉर्मूला है, क्वार्टाइल्स परसेंटाइल डिसाइल्स। ठीक है, इनको आपने अपनी नोटबुक पे भी और बुक पे भी साइड पे लिख देना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एग्जाम्पल, नोट डाउन कर लिया ना, इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.30 पे। इसमें क्या है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द वेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स इन बी कॉम क्लास एट अ सर्टेन कॉलेज, फाइंड द क्यू वन क्यू थ्री डी सेवन डी फोर एंड डी सिक्स डी फोर्टी फाइव। अब आपके पास यहाँ पे देखिए गलत वेट भी बना है और सात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बने। हमने बिल्कुल सेम ऐसे मीडियम में क्वेश्चन किया, मीडियम में मैंने आपको कहा था ना, जब आपको मिड पॉइंट्स गिवन हो तो आपने उसको, जब भी आपका देखो ग्रुप डाटा फ्रिक्वेंसी आ गई ना साथ, तो आपने उसको क्लास बाउंड्रीज बनाना होगा। ठीक है, ग्रुप डाटा को आपने क्लास बाउंड्रीज और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में करना होगा। जब डिस्क्रीट डाटा आता है उसके लिए हम अलग से डील करते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट डाटा नहीं, वेट्स है। वेट्स का मतलब क्या, कौन सा होता है आपका, कंटिन्यूस डाटा है। तो कंटिन्यूस डाटा में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी बन सकती हैं और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी भी निकल सकती है। ठीक है, हमने यहाँ पे मिड पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसके थ्रू हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूँ दोबारा से, मैंने वैसे मीडियम के केस में लिखा था तो अब दोबारा से बता देता हूँ, एक्स प्लस माइनस एच बाय टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरलाइज, जब आपको मिड पॉइंट्स गिवन हो, यानी कि एक्स वाली वैल्यूज गिवन हो और आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी। ठीक है, अब यहाँ पे एज क्या चल रहा है, इनके दरमियान डिफरेंस देखें, सबके दरमियान डिफरेंस वन वन का चल रहा है, तो एज हमारे पास वन हो गया, वन बाय टू को मैंने किया तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि हमने 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है एक्स में से, तो हमारे पास बन जाएंगी क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, क्या करेंगे, 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट, अब मैंने 130 था मेरे पास, 130 में से माइनस किया 0.5 तो आ जाएगा 129.5, ऐड किया तो 130.5, 131 में से माइनस किया तो 130.5, 130, सो ऑन। इस तरह से आप माइनस और प्लस करके आपने क्लास बाउंड्रीज को जनरेट कर दिया। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का सेम वही प्रोसीजर, पहली वैल्यू एज इट इज नेक्स्ट में ऐड कर करके हमने बना लिया। अब आपने क्यू वन निकालना है, आपको पता है क्यू वन का आप यहाँ पे 45 है आपके पास एन, टोटल एन कितना है, फ्रिक्वेंसी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम एन भी कहते हैं, हमारे पास 45 हो गया। अब 45 को हम डिवाइड करेंगे, जो है हमने Q1 निकालना है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 11.25, देखो जो यहाँ पर नजर आ रही है थोड़ी सी वैल्यू 11.25 आ गई, 11.25 यहाँ पे लाई गई, इसको हमने एरिया ऑफ कंसर्न यानी हमारी लाइन ऑफ कंसर्न हो जाएगी, हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। अब हमें पता है हमने इसमें से देखना है फ्रिक्वेंसी के कॉलम में फ्रिक्वेंसी लाई करती है,
क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री लाया करती है, सी वाला जो है ये प्रीवियस हो जाएगा, एच हमें पता भी, हमने भी यहाँ पर देखा कि एच हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, वन वन चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से मार्क कर ली, सी भी आ गया, एल भी आ गया, एफ भी आ गया, एच भी आ गया और एन बाई फोर हम यहाँ कैलकुलेट कर ही चुके हैं। इन सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके हमने निकाल देना है। इसी तरह से बी फोर के लिए भी करेंगे तो आप यही करेंगे, 345, 33, ये सारा कुछ आप देख चुके हैं एग्जाम्पल में भी, और सेकंड ईयर में भी आपने ये चीज की है तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा वन के लिए सेम वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, एन बाई फोर को आपने पहले कैलकुलेट कर लिया होगा, आगे उसको चेक कर लिया कमोडिटी फ्रीक्वेंसी। याद रखना जब भी आपने एन बाई फोर किया, थ्री एन बाई फोर किया, फोर एन बाई फोर किया, इन सबको आपने कमोडिटी फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, क्योंकि एफ है ना ये देखो एन फ्रीक्वेंसी का सम होता है, इसको हमने कमोडिटी फ्रीक्वेंसी में चेक करना होता है। और उसके बाद पूरी लाइन को हमने मार्क कर लेना है, जिसमें से हमने क्लास वाले एल लेना है, एच लेना है, एफ लेना है और सी लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने सारी चीज़ें करनी, थ्री भी आ जाएगा, डी फोर भी आ जाएगा और 345 भी आ जाएगा। सेम वही फॉर्मूला जो मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बताया उसके थ्री। अच्छा, अब आता है क्वार्टाइल डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। भी मैंने आपसे बात की थी ना कि डिस्क्रीट डेटा हो उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसमें हम क्लास बाउंड्रीज बना नहीं सकते। ये मैंने आपको मीडियन के केस में भी बताया था कि डिस्क्रीट केस में हम क्लास बाउंड्रीज नहीं बना सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास के अंदर डेटा फॉलो द डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज ग्रुप बाय साइज, वी डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ क्वार्टाइल्स डिसाइल्स परसेंटाइल फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ फाइंडिंग मीडियन। अब यहाँ पे क्यू वन क्यू थ्री एंड डी फोर, इसके हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाएंगे। क्यू वन का फॉर्मूला क्या, वही वही फॉर्मूला जो आपने देखो डिस्क्रीट के केस में किया था ना अभी हमने, वो सॉरी अनग्रुप के केस में, एन प्लस वन बाई फोर्थ वैल्यू और एन बाई थ्री आ जाएगा, थ्री एन प्लस वन बाई फोर्थ वैल्यू, और डी वन के लिए एन प्लस वन बाई टेंथ वैल्यू नाइन हो जाएगा। लेट्स सपोज सोन, उन्होंने लिख दिया कि आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो। इन जनरलाइज मैंने आपको उसने लिख के बताया था कि एन बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन ओवर टेन। ये है हमारे पास डिसाइल के लिए। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास होता है क्वार्टाइल के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाना था, फोर आ जाना था। लेट्स सपोज ये होता है हमारे लिए परसेंटाइल के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाना था, 100 आ जाना था। ये डिवाइजर में चेंज आ रहा है, एन तो बाहर रहना है ना, एन का तो मतलब ये है कि आप जो भी कैलकुलेट करना हो साथ मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री है तो थ्री, वन है तो वन, नाइन है तो नाइन, लेट्स सपोज। और नीचे डिवाइजर में चेंज क्या आएगा, क्वार्टाइल्स होगा तो फोर, डिसाइल होगा तो टेन, परसेंटाइल होगा तो 100। इस तरह से इसका डिवाइजर चेंज हो जाएगा, बाकी सारा अनग्रुप वाला फॉर्म नहीं है। अनग्रुप में भी ऐसे किया था हमने। अच्छा, अब इसको करना कैसे है ये भी देखना है, इसलिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं बनेंगी, बाकी सारा आप देखते हैं कैसे। देखिए सेम उन्होंने परसेंटाइज का फॉर्मूला भी बता दिया, देखिए 0.21 23 डी 4 डी 7 एंड पी 45 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको मतलब आप डिस्क्रीट डाटा, इसकी क्लास बाउंड्रीज नहीं बन सकती, एंड नंबर ऑफ फैमिली फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का तो हमने कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब हम कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ चिल्ड्रन था उसकी हम क्लास बाउंड्रीज नहीं बना सकते, डिस्क्रीट डाटा करके। ठीक है, इसको ऐसी चीज रहने दी। अब यहाँ से हमारे पास देखते हैं, जब क्यू वन आपने कैलकुलेट किया, क्यू वन से आ जाएगा हमारे पास एन प्लस वन बाई फोर वैल्यू से करके, और ये हमारी वैल्यू आ रही है, देखें वन आ रही है, सॉरी 55 प्लस 1/4 किया, अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 14। 14 वैल्यू को हमने चेक किया यहाँ पे तो ये आ रहा है हमारे सामने वन के सामने, वन हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वन। सिमिलरली आपने क्यू थ्री के लिए किया, यहाँ पे 55 रखा, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, 42 को आ गया। 42 हमारी इस वाली क्लास में लाई करती है, इसके सामने वाली को हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, थ्री। तो थ्री हमारा क्या हो जाएगा, क्यू थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमने निकाला डी सेवन, कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 39। 39 यहाँ पे लाई करता है, वो भी सिम लाई करता है, तो ये हमारे पास सी क्या है, हमारे पास डी सेवन की वैल्यू आ जाएगी। पी 48 के लिए सेम वही प्रोसीजर, हमने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 26 या 27 कह सकते हैं, 27 को मैंने यहाँ पे देखा, ये देखिए 27 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे जो है ये पी 48 टू हो जाएगा। हमने यहाँ से वैल्यू देखी, इसमें हमने ये नहीं करना कि हमने लाइन को कंसीडर करके एल देखा, एफ देखा, एच देखा, सी देखा, इसमें हमने कुछ नहीं देखना, इसमें बस आपने कमल की फ्रिक्वेंसी में देखना है वो कहाँ पे लाई करती है, और उसके सामने वाली वैल्यू आपकी मीडियन होगी, क्यू वन होगी, क्यू थ्री, पी 40, जो भी आपने कैलकुलेट करना होगा वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको मुझे कैलकुलेट नहीं करनी होगी। ठीक है, 3.32 आता है हमारे पास द मीडियन। अब यहाँ पे ये क्या है, देखिए इन्होंने बताया इस चीज को आपने देखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मीडियन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ छोटे छोटे सा ताकि आपको ये अपनी बुक पे आप लिख लें।
मीडियन आपको पता है 50% डाटा में होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखने ना आपने 50% डाटा का। लोअर क्वार्टाइल में आपको पता है 25 जो होती है, अपर क्वार्टाइल में 75% वाला डाटा होता है। इसको लिखते जाएं आप साथ साथ, और 40 D4 और D7, इसका मतलब यहाँ पे 48% आता है, यहाँ पे 68% डाटा आता है, यहाँ पे 45th and 70 का मतलब है ये 45th, यानी कि हमारा परसेंटाइल हो गया, और ये 78% होगा, ठीक है ना, हमारे ये वैल्यूज आ जाएंगे। वर रिकॉर्डेड फ्रॉम द कंटिन्यूस वेरिएबल विदाउट राइटिंग देयर नेम्स, ठीक है, वो कह रहे हैं ना नेम लिखे बगैर उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपने इसको अरेंज करके बताना, आइडेंटिफाई करना है मीडियम क्या है और क्वार्टल्स क्या है, ठीक है। हमें पता है यहाँ से देखते हैं सीक्वेंस में लिखिए, सीक्वेंस में उन्होंने लिख दिया खुद ही, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सबसे छोटी वैल्यू ये है, उससे बड़ी वैल्यू ये, उससे बड़ी वैल्यू ये, इस तरह से हमने अरेंज करके लिख लिया। और अब इनको भी अरेंज करके लिख लें, इसलिए हमारे पास सबसे पहले आते हैं 25th वैल्यू, ठीक है, इसको मैंने कह दिया 1। नेक्स्ट मेरी वैल्यू हो जाएगी 40, इसको मैंने कह दिया मेरे पास 2। नेक्स्ट मैंने कह दिया 45 वैल्यू आती है, वो हो जाएगी मेरे पास 3, ठीक है। पर 50 आ जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा 4। इसके 50 के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है ये 60, ये हो जाएगी 5th वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू 70 वाली 6th वैल्यू, और उससे अगली वैल्यू मेरे पास कहलाएगी 7th वैल्यू। मैंने इनको भी अरेंज कर लिया और उनको भी अरेंज करके लिख लिया। अब उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करें, अब मैं पहली वैल्यू को मैं कह दूंगी ये 25th वाली वैल्यू है, ठीक है, याद रखना 25th वाली वैल्यू है हमारे पास। सेकंड वैल्यू क्या थी, 40, ये हमारे पास 40 वाली वैल्यू है, ठीक है, नोट डाउन करते जाए। थर्ड वैल्यू हमारे पास 45 थी, ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ये 45 वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। 70 वाली वैल्यू ये हमारे पास 50% के लिए 50 वाली वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 50 के बाद कौन सी थी, इसमें 60, ये 60% के सामने वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास 70% के सामने वाली वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास 75% के सामने वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डाटा में देखो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। कैसे पहचाना आपने, आपने इस डाटा को भी अरेंज कर लिया, ठीक है, और इस डाटा को भी अरेंज कर लिया कि मीडियम का मतलब होता है 50%, लोअर का मतलब 25%। मैंने आपको कल सारा बना के बताया था प्रीवियस क्लास में, जो अपर के लिए 75%, ये डिसाइल 44 के लिए 40%, 60%, ये 45, 70, इस तरह से आपने सारी वैल्यूज को मार्क कर लिया और इनको भी अरेंज कर लिया। अब आप कह सकते हो, उन्होंने पूछा ना मीडियम को आइडेंटिफाई करके, हम कह सकते हैं कि मीडियम हमारा ये है, ठीक है, 70.9 हमारा मीडियम हो जाएगा। क्वार्टाइल्स उन्होंने कहा Q1 हमारे पास है ये 62.5, Q3 हमारे पास 75% होता है वो है 77.,, यानी कि हमने Q1 को भी फाइंड कर लिया, हमने Q3 भी बता दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और Q हमारे पास जो है जो मीडियम जिसको हम कहते हैं हमने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। इस तरह से आपको शोर क्वेश्चन में आ सकता है कि क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन हो और उनको वो कह दें कि आप इनको आइडेंटिफाई करें, तो आपको पता होना चाहिए किस वैल्यू पे कितने परसेंट डाटा होता है। D40 का मतलब 4 का मतलब D40%, D6 का मतलब 50, क्योंकि इसमें 10-10% होता है, क्वार्टाइल्स में 25-25% होता है, मीडियन और 50% होता है, और परसेंटाइल में 1-1% होता है, तो 45 का मतलब 45 ही होगा, 70 का मतलब 75 ही होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, अगर नहीं समझ आएगी तो आपने दोबारा से यहाँ से वीडियो को देख लेना है कि मैंने क्या बताया कि पहले आपने सारी वैल्यूज को असाइन किया किसमें कितने परसेंट लाइक करता है, और यहाँ से वैल्यूज को भी अरेंज कर लिया और उनको कोरस्पॉन्डिंग आप इस तरह से असाइन करते हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका सोल्यूशन, उन्होंने नेक्स्ट गिवन होगा यहाँ पे भी, उन्होंने बता दी थी कि आपका 21 है, 25%, 40%, उन्होंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, बाकी हमने मैंने आपको आसान तरीका ऊपर बता दिया कि आपने किस तरह से करना। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे देखो उन्होंने बताया कि 1 के अंदर 25%, 40%, यहाँ पे उन्होंने परसेंटेजेस बता दी, और उसके बाद उन्होंने फिर उसका उसका फिर मार दिया। अच्छा जी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मोड, व्हाट इज मोड। अब मैं आपकी क्लास इसलिए कोशिश कर रही जल्दी, आपको खुद भी पता है मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रही, एक महीना नहीं है आपके पास और चैप्टर 9 है और काम ज़्यादा है और टाइम कम है, इसलिए मोड क्या है हमारे पास। मोड के मोड भी आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ, इतना मतलब कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है कि जो जिसको हम कर ना सकें, जब मुश्किल टॉपिक आएंगे मैं खुद इसको स्लो लेके चल पढ़ूंगी। मतलब मोड क्या है हमारे पास, मोड की डेफिनेशन पास्ट पेपर मैंने आपको सेंड किया, तो उसमें आप देखिए मोड की डेफिनेशन आपको बार बार आएगी है, तो कहते हैं बट राइट डाउन व्हाट इज मोड एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला भी पूछते हैं और मोड क्या है ये पूछते हैं।
मोड आपको पता है कि क्या है, डाटा में बताता है कि जो वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं मोड, ठीक है। मोड इज द वैल्यू विच अकर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा, यानी कि वो वैल्यू जो डाटा में बार बार रिपीट हो रही होती है, ज्यादा बार आई होती है, उसको हम क्या कहते हैं मोड। मोड ट्रेंड को भी शो कर रहा होता है, फैशन को भी शो कर रहा होता है, कि जो चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही हो। व्हेन ईच वैल्यू अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि जब सारी वैल्यू सेम नंबर टाइम, यानी कि एक एक बार आई होंगी, देर इज नो मोड, तो फिर डाटा में कोई मोड नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन विच कंडीशन इन विच नो मोड, तो आपने बताना है कि व्हेन ईच वैल्यू अकर्स एट द सेम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि सारी वैल्यूज एक एक बार आई हो या दो दो बार आई हो, तो इसका मतलब डाटा में कोई मोड नहीं। टू और मोर वैल्यूज, यानी कि दो या उससे ज्यादा वैल्यूज अकर्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि बाकी सारी वैल्यू वन वन टाइम आई हो, दो या तीन वैल्यूज आपकी बार बार रिपीट हुई हो, तो फिर इस डाटा में क्या होगा, टू और मोर मोड मिल जाएंगे। सेट टू बी अ मल्टी मॉडल या बाई मॉडल कहते हैं, बाई टू का मतलब होता है बाई मॉडल, मोर का मतलब है मल्टी मॉडल हो जाएगा। इफ द डाटा हैविंग ओनली वन मोड, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंट टू बी यूनिमोडल, ठीक है। जब जिसमें एक मोड होगा, याद रखना, उसको हम कहते हैं यूनिमोडल। जिसमें दो मोड होंगे, उसको हम कहते हैं बाई मॉडल, और जिसमें ज्यादा मोड होंगे, उसमें हम कह देंगे मल्टी मोडल, और जिसमें कोई मोड नहीं होगा, उसको हम कह देंगे नो मोड, ठीक है। नो मोड भी होता है कंडीशन, यूनि मोडल भी, बाई मोडल भी, और मल्टी मोडल, ठीक है। आपको पेपर में जरूरी नहीं मोड मेंशन करें, आपको मोडल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मोडल वर्ड हो या मोड हो, तो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन कर ली। नेक्स्ट हम आते हैं मोड फ्रॉम द अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मोड आपने कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, मोड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अनग्रुप डाटा बाय इंस्पेक्टिंग द गिवन डाटा, यानी कि इंस्पेक्शन नहीं, सिर्फ आपने देख के जज कर लेना। जब आपके पास अनग्रुप डाटा होता है, तो आप बाय इंस्पेक्शन जज करते हो मोड को, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। यू पिक आउट दैट वैल्यू विच अकर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम, हम वो वैल्यू पिक कर लेते हैं जो बार बार रिपीट हुई हो, तो हमारा क्या कहलाती है, मोड कहलाती है, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, अनग्रुप के केस में आपने क्या करना है, बाय इंस्पेक्शन, जब आपके पास जैसे कि लेट्स सपोज ये वैल्यू आ रही है 4, 5, 9, 5, 10, ठीक है। अब मैं इसमें पूछ रही हूँ कि आपके पास मोड क्या है, हमें पता है ये वैल्यू दो बार आई है, तो यही हमारा मोड होगी ना, जो वैल्यू आपके डाटा में बार बार रिपीट हुई हो, वो आपका मोड बन जाती है। अच्छा, बाय इंस्पेक्शन हमने सिर्फ चेक करके देख लिया। अब मोड फ्रॉम ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस के केस में आपको ये फॉर्मूला होगा एल प्लस एच ओवर एफ, सॉरी एच ओवर एफ वो तो उसका मीनिंग करता है, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एफ एम का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एफ वन का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, एफ टू का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से अगली वाली फ्रिक्वेंसी, एच का मतलब क्या है, जो आपका इंटरवल का साइज होता है, जो हम सब में कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर में भी हमने सिखा, थर्ड में भी, हर जगह पे हमने एज को देखा है। एल का मतलब क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी वाली, जो आप मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चेक कर रहे होते हो ना, उसकी जो है लोअर क्लास बाउंड्री को हम कह देते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है, जब मीडियम का केस था, तो मैं आपको कहती थी क्लास बाउंड्री बनाना जरूरी है और कमोलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना जरूरी है। मोड के केस में क्लास बाउंड्री बनाना जरूरी है, कमोलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने कैलकुलेट नहीं करनी, ठीक है। क्या करना होगा, बस आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी होगी, ये स्टेप याद रखना है। मीन मीडियन मोड में आपको मैंने बताया था, सॉरी मीन अरिथमेटिक मीन ज्योमेटिक मीन हार्मोनिक मीन के लिए मैंने आपको कहा था मिड पॉइंट निकालना जरूरी होता है उसके लिए। पहला स्टेप क्या होता है, मिड पॉइंट निकालना। मीडियम के लिए, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के लिए मैंने आपको बताया क्लास बाउंड्रीज और कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना जरूरी है। नेक्स्ट इसके लिए मैंने कहा है कि आपने क्या करना है, ये जो मोड के लिए जस्ट क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट जरूरी होगा, ठीक है। जब भी आपको ग्रुप डाटा के साथ डील कर रहे होंगे, अनग्रुप के लिए तो उसको आपने बाय इंस्ट्रक्शन चेक कर लिया। अच्छा, ये वाला अगला फॉर्मूला भी वही चीज है, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एफ एम, एफ एम को एक साथ कर दिया, माइनस एफ वन, एफ टू, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ये होता है, आपको मतलब कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं पेपर में, आप जो मर्जी दोनों से याद करें, लेकिन मुझे जो है ये अच्छा लगता है ज्यादा। इसके बाद हम ये सारी चीजें आपने यहाँ से देख ली। अब आते हैं मोड फ्रॉम डिस्क्रीट डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा का मोड क्या है, यहाँ पे उन्होंने कहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया होगा वो हमारा मोड होगा। ये हमारे पास वैल्यूज है 5, 7, 2, 9, 7, 10, इसमें से मैंने देखा मोड क्या है मेरे पास, मोड 7, क्योंकि 7 दो बार आया, तो ये हमारा मोड क्या होता है, यहाँ पे मोड इज 7, क्योंकि ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फाइंड द मोड ऑफ द वैल्यूज, ये भी हमने मोड फाइंड करना है अनग्रुप डाटा का। अब यहाँ पे भी हमारे पास 2, 2 दो बार आया है, और 4 भी हमारे पास 2 टाइम आया, तो ये हमारे पास मोड हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। इसमें एक मोड था, ये यूनि मॉडल हो गया, इसमें दो मोड है, तो बाई मोड हो गया। थर्ड केस में उन्होंने बता दिया 4, 3, 8, 12, 6, हर चीज एक एक बार, हर वैल्यू एक बार आई है, तो
इसमें क्या हो जाएगा, नो मोड, कोई मोड है ही नहीं। मोड का मतलब मैंने आपको बताया क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम, या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर ट्रेंड, फैशन, जो चीज बार बार रिपीट हो रही होती है ना उसको हम कहते हैं मोड। तो इसमें कोई है ही नहीं, तो वो नो मोड है। इसमें दो बार थी तो दो मोड हो गए, बाई मॉडल, इसमें एक मोड था तो यूनी मोड। तो तीनों केसेस हमने चेक कर लिए हमारे अनग्रुप के केसेस। यदि आप हम आते हैं ग्रुप के केस में, 3.34, द वेट्स ऑफ 50 कॉलेज स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास यहाँ पे वेट गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। अब आपको देखो ये क्लास बाउंड्रीज गिवन नहीं है, आपको क्लास लिमिट गिवन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इसका जो है मोड फाइंड करना है, तो हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। पहला स्टेप क्या है कि हमने क्लास बाउंड्री बना ली। अब क्लास बाउंड्री आपको वही सेम मेथड है, कोई नया चीज नहीं है। मैं अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में जो है डिफरेंस लिया और 2 पे डिवाइड किया। जो भी वैल्यू आती है ये आपको पता, होल नंबर है तो 0.5 ही आएगा, माइनस इसमें से करेंगे पूरी रो में से, और इसमें से हम ऐड करते जाएंगे। 0.5 को मैं 60 में से माइनस करती हूँ तो आ जाएगा 59.5, ऐड किया तो 64.5, माइनस किया तो 64.5, ऐड किया तो 69.5, सो ऑन इस तरह से हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी को क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी लिख ली। अब आपके पास जहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमने F1 कह देते हैं, उससे प्रीवियस वैल्यू को F1 और उससे अगली वाली वैल्यू को F2, और जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है उसके सामने वाली वैल्यू को हमने क्या कह दिया, लोअर क्लास बाउंड्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, L, L भी आ गया, FM भी आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, सारी वैल्यूज आ गई, बस H रहता है। इनके दरमियान में डिफरेंस मतलब कितना है, 5 का, नेक्स्ट में भी कितना है, 5 का, तो हमारा H क्या हो जाएगा, 5। यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, हमने H भी देख लिया, F1, FM, F2, एल, सारी वैल्यूज को देख लिया, और हमने अपने फॉर्मूले में पुट कर लिया। जस्ट आपने सिंपलीफाई इसमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। देखो मैं जल्दी चल रही हूँ क्योंकि आपने ये सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। हमने यहाँ सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, सिंपलीफाई किया, हमारे पास मोड आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स अमेंड, बस बार बार चीजों को रिपीट करना है, बस ऊपर छोड़ ही देना, कर दिया मिसने होमवर्क दिया तो करके बैठ गए, इसको रिपीट किया करेंगे बार बार। अच्छा एग्जाम्पल है 3.35, यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइंड द मोड, मोड बताना है, और ये हमारे पास डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट के केस में भी हमने क्वार्टाइल्स में भी देखा, मीडियन में भी देखा, हम क्लास बाउंड्रीज नहीं बना सकते, और मोड में तो चाहिए क्लास बाउंड्री है, तो इसका मतलब हम इसमें हम क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे, तो ये अनग्रुप की तरह से ट्रीट होगा। जिसकी भी हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारा क्या होगा, मोड। यहाँ पे हम देखते हैं हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है 55, तो ये हमारा मोड हो जाएगा। मोड क्या हो गया इस केस में, 3, 3 हमारा 55 टाइम आया है इस क्वेश्चन में। हम कह सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो मोड हमारा 3, जो बार बार रिपीट हुई वैल्यू है वो है 3, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं, इसलिए मैं जल्दी चल रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3.36, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास अभी सेम जो चीज हम करके आए हैं ना, उसके मीडियन में भी की हमने, क्वार्टाइल्स में भी की, यहाँ पे भी आ गया। अब आपको यहाँ पे मिड पॉइंट गिवन है और सामने से फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपको क्लास बाउंड्री गिवन नहीं है, तो आपको क्लास बाउंड्री को बनाना होगा। सेम वही दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि किस तरह से बनाइए क्लास बाउंड्री को, वही वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस माइनस एच बाई टू। अभी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, सॉरी यहाँ पे एच क्या है, 1 1 चल रहा है, 1 1, लेकिन जो दरमियान में डिस्टेंस कितना है मिड पॉइंट के दरमियान में, 1 1 का, तो एच हमारे पास 1 हो गया। 1/2 किया तो मेरे पास आ गया 0.5, 0.5 मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया मिड पॉइंट्स में से तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। जैसे कि 50 है ना, 50 में से मैंने 0.5 को माइनस किया तो बन जाएगा 49.5, मैंने इसमें ऐड किया तो बन जाएगा 50.5, 51 में से मैंने माइनस किया 0.5 तो बन जाएगा 50.5, ऐड किया तो 51.5, सो ऑन इस तरह से हम करते गए। 52 में से माइनस किया 0.5 तो 51 बन जाएगा, फिर ऐड किया तो 52.5, सो ऑन इस तरह से हमने क्लास बाउंड्रीज को जनरेट कर लिया, बना लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है ऑलरेडी गिवन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी FM हो जाएगी, उससे प्रीवियस F1, उससे अगली वाली F2, और ये वाला हमारा L बन जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री L बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमने H देख लिया, H हमारे पास क्या था, 1। हमने सारी वैल्यूज को देख लिया है, बस हमने पुट करना है अपने जो है मोड के फॉर्मूले में, एल पुट किया, एफ एम पुट किया, एफ वन, एफ टू, एच, सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया, मोड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो चीजों को निकालना मुश्किल है, बाकी आपको मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी क्वेश्चन करना सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना उस चीज का, फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ये चीज फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको फिंगर टिप्स पे, जब फॉर्मूला लिख लेंगे फिर आपको पता है कि आपने FM को देखना है, आपने L को देखना है, आपने H को लोकेट करना है, तो फिर सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो।
आप डायरेक्ट क्वेश्चन में चीजें करने लगे और फॉर्मूला नहीं लिखा तो फिर आप मुश्किल में फंस जाओगे, पता नहीं क्या निकाला है, चाहे मीडियम वाली चीजें निकालो चाहे क्वार्टर्स वाली। इसलिए पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं और उसके जो है कोरस्पॉन्डिंग चीजों को फाइंड करते हैं। अच्छा, जब ग्राफिक लोकेशन आ गया, मेरे ख्याल में टाइम कम है तो इसको ग्राफिक लोकेशन को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अब हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको आज ये स्टॉप करके नेक्स्ट देखते हैं। हम यहाँ पे 3.25 था हमारे पास, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, फोर्थ डिसाइल एंड 37th परसेंटाइल। अभी क्यूबिक किससे मैं आपको बता दूँ, 3.25 क्वेश्चन है हमारे पास। उन्होंने कह दिया कि आपने Q1 फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है, D4, ये आपने एग्जाम्पल किस तरह से थी, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी आपने मीडियन को, क्वार्टाइल्स को, डिसाइल्स को, परसेंटाइल्स को, ठीक है, डील करना है तो क्या निकालना है, क्लास बाउंड्री निकालनी है और कमोडिटी फ्रिक्वेंसी निकालनी है, CF निकालना, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर से हमने कमोडिटी फ्रिक्वेंसी निकाली, पहली वैल्यू एच डी नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड करके वो निकाला, और क्लास बाउंड्री का भी सेम वही मेथड, दोनों वैल्यूज का डिफरेंस के ऊपर डिवाइड और फिर लोअर वैल्यू मान से पर ऐड करके हमने क्लास बाउंड्री भी निकाला, ठीक है। क्लास बाउंड्री भी आ जाएगी, कमोडिटी फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास देखिए पूरा इस तरह से टेबल बन जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है लोअर क्लास बाउंड्री, फ्रिक्वेंसी, सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास। और यहाँ पे हम लास्ट में हम फ्रिक्वेंसी का टोटल देखते हैं जो हमारे पास 40 है, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वाली वहाँ पे आती है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में, वो हमारा फ्रिक्वेंसी का सम ही होता है, टोटल फ्रिक्वेंसी का, बेसिकली दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे आते थे आप Q1 पे, हमने फॉर्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई फोर माइनस सी एन बाई फोर को किया तो 10 वैल्यू आ गई। सेम हो जाता है, एग्जाम्पल ही आपको दी गई, यहाँ पे 10 यहाँ पे लाई करता है, ये आपके एरिया ऑफ कंसर्न हो जाएगा। इसको मैंने मतलब मार्क कर लिया, जैसे कि ये Q1 के लिए है मेरे, तो मैंने यहाँ पे बताया ये मेरी वैल्यू एल हो जाएगी, ये वैल्यू फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू सी हो जाएगी, एच इसमें 5 का आपका चल रहा है तो एच हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एल भी आ गया, एफ भी आ गया, एच भी आ गया, सी भी आ गया, सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके हम वो कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व। Q1 कैसे कैलकुलेट करिए, अभी हमने एग्जाम्पल में इसको डिटेल से पढ़ा है इसलिए मैं यहाँ से जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपका होमवर्क है, आपने खुद करना। Q1 कैसे कैलकुलेट कर लिया, के लिए भी ऐसे कि आपने 3n/4, पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया जब भी जो भी क्वेश्चन होगा हमेशा आपने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है पहले, और उसके बाद मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला भी लिखवाया Q Q का, Qm का, DM का और Pm का, यानी कि m का मतलब होता है कि आप जो भी कंसर्न निकालना होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करके वो कर लेंगे। तो उस फॉर्मूले को लिखा है वहां से आपने कर लेना कि T के लिए क्या करना है, 3n/4 हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। D4 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4n/10 हो जाएगा। बस देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके क्वार्टाइल्स 4 होते हैं। डिसाइल्स में 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि डिसाइल्स आपके 10 होते हैं। इसी तरह परसेंटाइल में यहाँ पे 100 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि परसेंटाइल में आपकी 100 वैल्यू होती है। इस तरह से हमने इसको भी कर लिया, ठीक है, ये आपने खुद से इसको सोल्व कर लेना। सारी वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, देखें जिस तरह से ये आ जाएगी हमारे पास 54 और ये आ जाएगी हमारे पास 53.8, ये सारी आ जाएगी आपके पास 35, 37, D4 सारी। फाइंड मीडियन Q1, Q3, D8 और D40 है, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और आपके पास ग्रुप डेटा है वो मिड पॉइंट वाला, आपने मिड पॉइंट से क्लिक निकालनी है अपने क्लास बाउंड्री कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट का वही फॉर्मूला जो भी मैंने बताया, एक्स प्लस माइनस एच बाय टू, और एच हमारे पास यहाँ पे 1 1 चल रहा है, तो हमारे पास 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। आगे से सेम वही प्रोसीजर, आप ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी का सम एन के इक्वल होता है। मीडियन का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे एन बाय टू आएगा, मीडियन में टू इक्वल पार्ट होते हैं तो यहाँ पे टू आ जाएगा। आपने मीडियन कैलकुलेट कर लिया, Q1 कैलकुलेट कर लेंगे, Q3 कैलकुलेट कर लेंगे, D8 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने कुछ करना, मैं आपको बस दिखा दूंगा इस तरह से आपने करना होगा, T48 कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 3.27 है, मीडियन Q1, इसमें भी सेम आपने पहले क्लास ये देखिए क्या है आपके पास नंबर ऑफ स्टेयर्स और कमोडिटी फ्रीक्वेंसी। अब आपने यहाँ पे मीडियन को कैलकुलेट करना, तो अब इसमें आप जो है क्लास बाउंड्री नहीं बना सकते क्योंकि ये आपके पास नंबर ऑफ हाउसेज है, हाउसेज आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। इसमें आपने मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री नहीं बना सकते, यहाँ पे भी आपने वो जो है अनग्रुप वाला केस की तरह से इतना से निकाला मीडियन Q1 P46। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये जो है अनग्रुप डाटा का आ जाएगा, मोड कैलकुलेट कर लिए, फिर कैलकुलेट आपने मोड कर लिया ग्रुप डाटा का, ठीक है, 3.29 में। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3.30, इसमें भी आपने मोड कैलकुलेट करना है, सेम क्या होगा यहाँ से आपने